एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, अब उसको स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, उसको टीचर्स मुख्तलिफ क्लास के मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो उसको लेक्चर्स दे रहे हैं, होमवर्क मिल गया और वो घर आ गया है। अब अकेडमी वो जा रहा है, अकेडमी में उसने वो सारा काम करना है जो स्कूल से उसको मिला है। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या स्कूल में वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेगा या अकेडमी वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेगा? पढ़ेगा तो एक जगह पे ना, आप 24 घंटे तो पढ़ने जी, से रहा। अगर तो आपने उसे एकेडमी ऐड कर दी है हाँ, तो फिर बच्चे ने ये कहना है कि मैंने एकेडमी जाके काम कर लेना है, ठीक है, वो स्कूल को एज अ फन टाइम ले रहा होगा। ओके, अच्छा अगर एकेडमी नहीं है, बच्चे को पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हाँ अगर कि मैं अटकता हूं तो मैंने किसी से मशवरा भी लेना है, माँ बाप से पूछना है, किसी उस्ताद से पूछना है, मगर इट इज माई ड्यूटी, फिर वो किसी और तरह वहां बैठेगा। और जब उसे पता है कि काम तो सारा टीचर ने करवा देना है, और मजे की बात है कि एकेडमी में भी ज्यादातर लोग समझाते नहीं है, काम करवाते हैं, होमवर्क कंप्लीट करवा देते हैं, बेटा यहाँ पे नून डाल दो, यहाँ पे नाव डाल दो, यहाँ पे छह डाल दो, बिल्कुल उसे समझा नहीं रहे, उसे कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे, ठीक। नतीजतन फिर रिजल्ट पाकिस्तान में जो हो रहा है वही हो रहा है।